हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वस्तु विनिमय और मुद्रा के विकास के बारे में। वस्तु विनिमय क्या होता है, इसे कहते हैं, और वस्तु विनिमय से मुद्रा के विकास की जो अवस्थाएं हैं, किस प्रकार से मुद्रा आधुनिक मुद्रा तक हम लोग पहुँचे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि शहरों में या गांवों में भी फेरी वाले घूमते हैं और किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देते हैं। किसी खास, जैसे कि बर्तन वाले होते हैं, कपड़ों के बदले में बर्तन देते हैं। तो प्राचीन काल में जब मानव सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, तब किस प्रकार से क्रय विक्रय का कार्य होता था? तब आज की तरह कोई मुद्रा नहीं थी, किसी भी देश में क्रय विक्रय का माध्यम के लिए कोई मुद्रा नहीं थी। उस वक्त एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु क्रय की जाती थी। जिसके पास जो वस्तु अधिक मात्रा में होता था, वो अपनी कम उपयोगी वस्तु का परित्याग करके अधिक आवश्यक वस्तु को वस्तु के बदले में क्रय कर लेता था। इसको सामान्य भाषा में ऐसे समझेंगे कि जब मानव सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, तब जैसे जब मनुष्य ने केवल कृषि करना, पशुपालन करना, शिल्पकारी, इस तरह के कार्य ही सीखा था और इससे अधिक मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब लोग स्थानीय रूप से एकत्र होते थे और अपने द्वारा निर्मित या उत्पादित वस्तुओं को लेके एक स्थान पर एकत्र होते थे और वहाँ पर वो अपनी वस्तु के बदले में दूसरी आवश्यक वस्तु को लेते थे। जिनको उनकी वस्तु की आवश्यकता है, वो अपनी वस्तु को उन्हें देते थे और उनसे अधिक आवश्यक वस्तु को क्रय कर लिया करते थे। परंतु ये मानव सभ्यता के प्रथम, जहाँ से व्यवसाय आरंभ होता है, प्रथम चरण की बात है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य ने इसमें कठिनाइयाँ अनुभव करने लगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भविष्य के लिए हम कुछ भी संचित करके नहीं रख सकते थे। कितना भी आप अन्न उगा लें, आज का कृषि किया हुआ अन्न, पैदा किया हुआ अन्न, आप उसको 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए संग्रहित करके नहीं रख सकते हैं। दूसरी समस्या जो उसमें आई कि जब वो अपनी वस्तु को लेकर स्थानीय बाजारों में जाते थे विक्रय के लिए, तो मूल्य के निर्धारण का, किस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, किस वस्तु के बदले में कौन सी वस्तु कितनी मिलनी चाहिए, ये कैसे निर्धारित किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। एक और समस्या उत्पन्न हुई वस्तु के विभाजन की। ये समस्या ये थी कि यदि कोई पशुपालक है, उसे अपने पशु के बदले में अन्न खरीदना है, तो उसके पशु के बदले में कितना अन्न मिलना चाहिए, या एक घोड़े का व्यापारी है, वो एक घोड़े का मूल्य 3 बकरी लगाता है, अपने घोड़े को बेच के 3 बकरियां क्रय करना चाहता है या 2 क्विंटल चावल लेना चाहता है, परंतु जो जिससे वो खरीदना चाहता है उसके पास वो वस्तु उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन जिसके पास बकरी है वो घोड़ा क्रय करना चाहता है, उसके पास 2 ही बकरी है, तो कैसे सौदा हो? घोड़े को विभाजित करके तो नहीं बांटा जा सकता, नहीं तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी इसमें समस्या आई वस्तु के विभाजन की समस्या। और दूसरी बात जो इसमें और एक प्रमुख बात और ये थी कि दोहरे संयोग का, यानी कि जो वस्तु हमें क्रय करनी है वो दूसरे व्यक्ति के पास होना चाहिए और जो वस्तु उसके पास है वो वस्तु हमारे पास होना चाहिए, दोहरे संयोग होना चाहिए। जो हमें क्रय करना है वो दूसरे के पास होना चाहिए और जो उसे क्रय करना है वो वस्तु हमारे पास होना चाहिए, तभी वस्तु विनिमय संभव हो पाता है। ये तो हो गई वस्तु विनिमय की बात। और वस्तु विनिमय के कब संभव होता है, किस प्रकार से संभव हो सकता है, ये इसमें सारी बातें आ गई। परंतु इसमें धीरे धीरे मनुष्य कुछ असुविधा होने लगी, कुछ समस्याएं आने लगी, जैसे मूल्य के निर्धारण का, भविष्य के लिए मुद्रा मूल्य का संचय करने का, और मानव का भविष्य अनिर्धारित होगा, क्योंकि उसके पास आज कितना भी उपार्जन कर ले, उसके पास भविष्य के लिए संग्रह करके उसको नहीं रख सकता था, और अधिक मात्रा में उत्पादन करने के बाद उनको सुरक्षित रखना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो धीरे धीरे मनुष्य एक ऐसी वस्तु की खोज करने लगा जिसमें कि सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जा सके। प्रारंभ में जब मुद्रा की प्रारंभिक अवस्था थी, तो अन्य ही कुछ स्थानों पे बादाम, कहीं पे काजू, कहीं मक्का,
यही मुद्रा का कार्य करते थे। और उसके बाद थोड़ा और सभ्यता का विकास हुआ। आप इतिहास में पढ़े होंगे, राजाओं के समय में चले जाइए तो पहले कांसे की, तांबे की, सोने की, धातु मुद्रा कहिए, ये प्रचलन में आए। और उसके बाद फिर पत्र मुद्रा आई और आधुनिक मुद्रा, ये क्रम से आते गए, परिवर्तित उसका स्वरूप होता गया जैसे जैसे मानव सभ्यता में आवश्यकता हुई। लेकिन सबसे पहले मुद्रा का, अगर ये कहें कि कहाँ से इसका जन्म हुआ, कैसे इसकी ये उत्पन्न हुआ, तो इसके बारे में ठीक ठीक बताना कि मुद्रा शब्द, जिसको कि मनी कहेंगे, ये शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में बहुत ही भ्रांतियाँ हैं। कहा जाता है कि वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ थी, इन्हीं से जूझता हुआ मनुष्य नए नए साधन ढूंढ रहा था उससे बाहर निकलने के लिए। और उसी के परिणाम स्वरूप जब वो एक खोज कर रहा था, उसका समाधान के परिणाम स्वरूप उसे मुद्रा की प्राप्ति हो गई। मुद्रा के खोज के संबंध में, मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं। एक जो है वो अकस्मित सिद्धांत, यानी कि मुद्रा का किसी ने खोज नहीं किया, मुद्रा हमें अकस्मित रूप से प्राप्त हो गई। और दूसरा है मुद्रा के विकास का सिद्धांत। मुद्रा के विकास का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होने लगा, वैसे वैसे मनुष्य एक के बाद एक विकास क्रम में आगे बढ़ता गया। उसने आग की खोज की, उसने पहिए बनाए, उसी क्रम में वो आगे बढ़ते हुए व्यवसाय के क्षेत्र में उसने मुद्रा की खोज की और वहाँ से मुद्रा उत्पन्न हुई, जिसमें कि सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाने लगा। मुद्रा के आ जाने से वस्तु विनिमय की जितनी भी समस्याएं थी, सबका समाधान हो गया। अब न दोहरे संयोग की आवश्यकता है, न मूल्य के निर्धारण का, और न ही संग्रहण की, क्योंकि आज के आय का एक हिस्सा हम भविष्य के लिए सुरक्षित मुद्रा के रूप में सुरक्षित रख सकते थे। इसमें आप मुद्रा के माध्यम से अपनी वस्तु को स्थानीय बाजार में, या जैसे जैसे व्यवसाय का विकास होता गया, बाजार में उसको बेच के और मुद्रा से अपनी आवश्यकता की अन्य दूसरी ढेर सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। उसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों में अलग अलग मतभेद रहे। कुछ इसके समर्थन करते हैं कि मुद्रा आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुई और कुछ लोग मुद्रा को विकास का हिस्सा मानते हैं, मानव सभ्यता के विकास का हिस्सा मानते हैं। मुद्रा के आकस्मिक सिद्धांत और मुद्रा के विकास सिद्धांत के संदर्भ में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपना मत दिया है और सबकी अलग अलग परिभाषाएँ भी हैं, हम लोग बाद में समझेंगे। अभी इतना ही समझिए कि मुद्रा के आ जाने से वस्तु विनिमय की जितनी समस्याएं थी, उन सभी का निराकरण हुआ। और पहले वस्तु मुद्रा थी, फिर वस्तु ही मुद्रा का कार्य करती थी, उसके बाद लकड़ी की मुद्राएं आई, उसके बाद धातु मुद्रा आई, धातु मुद्रा में कांसे की, तांबे की, सोने की, चांदी की आई, उसके बाद पत्र मुद्रा आया और पत्र मुद्रा का रूप परिवर्तित होते होते आज साख मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा जिसको आप क्रेडिट कार्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजैक्शन तक की स्थिति आ गई है। ये एक मुद्रा के विकास में एक कहें कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ, जिससे कि आर्थिक जगत को, व्यवसाय जगत को इसका बहुत लाभ हुआ, मानव सभ्यता को इसका बहुत ही लाभ हुआ। और आने वाले समय में हो सकता है कि मुद्रा का स्वरूप और भी परिवर्तित हो। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें।